रायबरेली में सितंबर माह के उत्तरार्ध से रुक रुक हुई बारिश का परिणाम आना शुरू हो गया है। धान की फसल की क्रॉप कटिंग के परिणाम बेहतर आ रहे हैं। क्रॉप कटिंग से मिल रहे परिणाम उत्साहजनक हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार उत्पादकता पूर्व के वर्षों की तुलना में अधिक रहेगी। अभी तक जिले में प्रति हेक्टेयर 40 क्विंटल का औसत रहा है। जिलाधिकारी हर्षिता माथुर और CDO पूजा यादव ने अब तक क्रॉप कटिंग कर ली है, जिसकी उत्पादकता पिछले साल के मुकाबले अधिक मिली है। दरअसल जिले का अधिकतर भाग तराई क्षेत्र में पड़ने और नहरों का जाल बिछा होने के चलते यहां धान की फसल बहुत आयात में होती है। सितंबर माह के पूर्वार्ध में बारिश कम होने से अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार धान की पैदावार कम होगी। अचानक सितंबर माह के उत्तरार्ध से लेकर अक्टूबर के पूर्वार्ध तक रुक रुक कर हुई बारिश धान की फसल के लिए अमृत साबित हुई और अब जबकि क्रॉप कटिंग के परिणाम आए तो अधिकारियों समेत किसानों के चेहरे खिल उठे। तो ये जो गाय चल रही है उसका क्या करूँ? तो क्या नहीं, वो बहुत जगह ऐसी समस्या है। ये देखिए सुबह कटवाई गई है, फिर पेंडी बना हुआ है, जो पीट रहे हैं सुबह लोकेशन पर आती है। आप कह रहे थे 200 मीटर पैदल चलना पड़ेगा? हाँ मैम, ये प्लाट वहाँ है ना मैम, इसी पर है। गाड़ी यहाँ तक आ गई मैम। लगातार वर्षा कुछ कुछ अंतराल पर होती रही, बीच में कुछ अंतराल था जब थोड़ा सा नहीं हुई थी, लेकिन चूंकि सिंचाई के साधन थे, किसानों ने अच्छी सिंचाई करी और फसल हमारी जो अभी तक देखने में भी क्षेत्र भ्रमण के दौरान हम लोग देखे हैं तो फसल हमारी अच्छी है। और जो हमारी क्रॉप कटिंग के शुरुआती जो हमारे परिणाम अभी आना शुरू हुए हैं, हमारी क्रॉप कटिंग इस समय चल रही है, धान कटाई शुरू हो गई है, तो अच्छे रिजल्ट्स हैं। अभी जिलाधिकारी महोदय के द्वारा और मुख्य विकास अधिकारी महोदय के द्वारा उनके उपस्थिति में क्रॉप कटिंग कराई गई हैं, जिनके परिणाम भी अच्छे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि गत वर्षों से हमारा जो क्रॉप कटिंग के जो परिणाम है अच्छे रहेंगे। ज़िले में कुल क्या उत्पादकता का एवरेज है और इस साल क्या स्थिति रहेगी? हाँ, जो विगत वर्ष में हमारे ज़िले की धान की उत्पादकता रही है वो करीब 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर रही है। मुझे उम्मीद है कि हम इसको इस बार क्रॉस करेंगे। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।